नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रेडिट में। और आज मैं अगर आपके सामने 2025 का सीबीएसई का ऑल इन वन फिजिक्स क्वेश्चन में गाइड मान लीजिए एक तरीके से क्लास ट्वेल्थ के लिए, फिर से बता दें आपको ये सीबीएसई बोर्ड के लिए है, क्लास ट्वेल्थ के लिए है। फिजिक्स का क्वेश्चन बैंक है, 2025 का लेटेस्ट एडिशन है और मैंने इसको ऑफलाइन बुक स्टोर से खरीदा है, ऋषभ बुक स्टोर से। और आज मैं इसका रिव्यू करने जा रहा हूँ। आज देखेंगे क्या खास है इस क्वेश्चन बैंक में और क्या लेटेस्ट चेंजेस आए हैं इसके अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए। सबसे पहले इसके एमआरपी की बात करें, 595 रुपये एमआरपी है, लेकिन अगर आप अच्छे से बुक स्टोर से परचेस करोगे तो अच्छा खासा आपको डिस्काउंट वहां से मिल सकता है। ऑनलाइन थोड़ा सा महंगा पड़ रहा है फिलहाल। बात करें नंबर ऑफ पेजेस की, तो इसमें 563 नंबर ऑफ पेजेस आपको देखने को मिलते हैं। बात करें अगर इसमें पेज क्वालिटी की, तो पेज क्वालिटी जस्ट ओके है, ठीक ठाक है। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर के मटेरियल की, क्या क्या मटेरियल इसके अंदर आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले केशव मोहन द्वारा ये लिखित है, एमएससी है वह फिजिक्स से। बात करें इसके अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलता है, स्टार्टिंग में आपको इंडेक्स देखने को मिलता है, कंटेंट देखने को मिलता है, क्या क्या इसके अंदर आपको चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं इनसाइड द बुक। चैप्टर में इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वेव ऑप्टिक्स, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, एटम्स, न्यूक्लियस एंड सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, मटीरियल्स, डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट्स। और लास्ट में आपको सीबीएसई एग्जामिनेशन पेपर 2024 देखने को मिलता है, लेटेस्ट सीबीएसई सैंपल पेपर देखने को मिलता है और 3 सैंपल क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद इन्होंने एक तरह से एडवर्टाइजमेंट किया हुआ है, मतलब क्या क्या खास है इनके ऑल इन वन में, तो वो चीज यहां पर दे दी गई है। इसके बाद यहां पर पैटर्न दिया गया है, जो लेटेस्ट कोर्स स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार के है, कितने पीरियड्स आपको एक चैप्टर में देने हैं और कितने मार्क्स के वो चैप्टर यहां पर दिए गए हैं। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर आगे आपको क्या क्या देखने को मिलता है। आगे चले तो यहां पर पूरा सिलेबस दिया गया है, लेकिन फिर भी मैं रिकमेंडेड करूंगा कि आप अपने सिलेबस को एक बार cbseacademy.nic.in से जाके मैच जरूर कर लीजिए, क्योंकि हर साल माइनर से चेंजेस सिलेबस में होते रहते हैं। अब बात कर लेते हैं चैप्टर के पैटर्न की, किस प्रकार का चैप्टर पैटर्न आपको यहां पर देखने को मिलता है। शुरुआत में चैप्टर का नंबर, चैप्टर वन, चैप्टर का नाम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इसके बाद इन दिस चैप्टर आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड किए गए हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक डायपोल, कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो ये टॉपिक आपके इंक्लूड किए गए हैं। तो शुरुआत में जो आप चीजों को पढ़ेंगे, जो लैंग्वेज है वो काफी सिंपल आपको देखने को मिलने वाली है, जो आपको डायग्राम भी है वे भी काफी सिंपल आपको देखने को मिलने वाले हैं। जो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन्हें नोट बना के यहाँ पे छोटे छोटे हेडिंग्स में यहाँ पर दिया गया है। जैसे एक टॉपिक खत्म होगा आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे, और वो एग्जाम्पल एनसीईआरटी की भी हो सकते हैं और नॉर्मल एग्जाम्पल भी यहां पर हो सकते हैं। जैसे पहला टॉपिक आपका खत्म होता है तो टॉपिक प्रैक्टिस शुरू होती है यहां पर, जैसे पहले थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, उसके बाद आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, उसका नेक्स्ट टॉपिक यहां पर शुरू होता है, फिर से जो इंपॉर्टेंट नोट है वो यहां पर दे दिया गया है। बहुत ही सिंपल शब्दों में चीजों को एक्सप्लेन किया गया है। टॉपिक खत्म तो उसके एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल टू, उसके बाद यहां पर नेक्स्ट टॉपिक आता है, फिर उसके एग्जाम्पल्स, मतलब टॉपिक वाइज एग्जाम्पल्स यहां पर आपको देखने को मिलते हैं। आगे चले फिर नेक्स्ट टॉपिक आ गया, फिर उसके एग्जाम्पल यहां पर, फिर नेक्स्ट टॉपिक आ गया, फिर इसके बाद उसके एग्जाम्पल यहां पर आपको देखने को मिलते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ गया, फिर उसकी प्रैक्टिस, टॉपिक की प्रैक्टिस आपको यहां पर देखने को मिलती है। छोटे छोटे एग्जाम्पल्स तो बीच में देखने को मिलते रहेंगे, लेकिन साथ में जब पूरा टॉपिक फिनिश हो जाएगा तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पल के क्वेश्चन, ऑल इंडिया जो सीबीएसई में प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं वे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट टॉपिक आपका इलेक्ट्रिक डायपोल आता है, फिर उसके एग्जाम्पल्स, फिर नेक्स्ट टॉपिक उसके एग्जाम्पल्स, तो डायपोल रिलेटेड सारे जब हेडिंग्स खत्म हो जाएगी फिर उस टॉपिक की प्रैक्टिस, पहले थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेक्स्ट टॉपिक है, देखो ग्रीन लाइन एक नया टॉपिक दिखाएगी है, और जब ये ग्रीन लाइन का सारे टॉपिक खत्म हो जाएंगे उसके बाद आपके टॉपिक प्रैक्टिस शुरू होगी, तो टॉपिक प्रैक्टिस यहाँ पर देखने को मिलती है। और जब लास्ट में आपका चैप्टर फिनिश हो जाता है तो यहां पर आपको समरी देखने को मिलती है। समरी कहने का तात्पर्य है यहां पर पूरे चैप्टर का निचोड़ देखने को मिलता है। अगर जस्ट आपको कुछ मिनटों में ही पूरे चैप्टर रिवाइज करना चाहते हो तो समरी ही आपके लिए काफी बेनिफिशियल साबित होती है।
इसके बाद एग्जाम पर जो एग्जाम पैटर्न एक्सरसाइज है वो मतलब जो एग्जाम का पैटर्न आने वाला है उस पर बेस्ड एक्सरसाइज आपको देखने मिलती है। जैसे शुरुआत में तो आपको जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, देख सकते हैं इसका असर्शन रीजन के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं। उसके बाद केस बेस्ड क्वेश्चंस आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। पार्ट भी जो आता होता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, जिसमें शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, उसका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन टाइप आपको देखने को मिलते हैं, उसके बाद केस बेस्ड क्वेश्चंस मिलते हैं, फिर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मिलती है, और लास्ट में जितने भी एक्सरसाइज यहां पर आई है टॉपिक प्रैक्टिस वन हो टॉपिक प्रैक्टिस टू हो, जितने भी आपने अब तक प्रैक्टिस एक्सरसाइज देखी है टॉपिक वाइज भी, उन सबके हिंट और सॉल्यूशन यहां पर आपको देखने को मिलते हैं। यहां से आप अपने सारे हिंट और सॉल्यूशन को मैच कर सकते हो कि जो क्वेश्चन आपने किया है कौन सा आपने सही किया है कौन सा आपने गलत किया है, यहां से आप सब कुछ मैच कर सकते हो। सारे के सारे सॉल्यूशन आपको लास्ट में ही देखने को मिलते हैं, तो यहां पर चैप्टर फिनिश हो जाता है। तो लगभग 55 पेज में एक चैप्टर आपका देखने को मिलता है। सिंपल सा पैटर्न है हर एक चैप्टर का, पहले टॉपिक है, बीच बीच में एग्जाम्पल्स है, टॉपिक खत्म होने के बाद उसकी एक्सरसाइज है, फिर नेक्स्ट टॉपिक है, बीच बीच में एग्जाम्पल है, फिर उसकी एक्सरसाइज है, जब सारे खत्म हो जाएंगे लास्ट में समरी है, समरी के बाद आपको जो एग्जाम पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, फिर आपको असर्शन रीजन के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन मिलते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और लास्ट में चैप्टर के लास्ट में इन सब के सॉल्यूशन इन सब के आंसर्स आपको देखने को मिलते हैं। और यही पैटर्न इस पूरी बुक में यूज किया गया। क्वेश्चन बैंक तो नहीं बोलूंगा, काफी मोटी बुक है, तो बुक ही इसको मैं बोलूंगा, गाइड तरीके से आप ले सकते हैं इसको, जो बच्चे ऐसा लोरा नहीं पढ़ सकते या जिन्होंने एक बार रिवीजन कर लिया है वो इसे पढ़ सकते हैं। मैं रिकमेंडेड यही करूंगा, पहले आप नोट प्रॉपर नोट्स पढ़ें, प्रॉपर अपनी तैयारी करें कोचिंग सेंटर कहीं से भी, जब आप पढ़ लो उसके बाद इसके क्वेश्चन आप लगाने शुरू कर सकते हैं। जो टॉपिक आपको कोचिंग सेंटर में ऑनलाइन या जहां से भी आप स्टडी कर रहे हैं वहां डिफिकल्ट लगे, इसमें सिंपल लैंग्वेज दी गई, आप सेल्फ स्टडी से इसको इजीली पढ़ सकते हो, बट क्वेश्चन जब तभी लग पाएंगे अगर आपने अच्छे से हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया होगा। और लास्ट में वही आपका सैंपल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है ना, मॉडल पेपर आपके प्रैक्टिस के लिए देखने को मिलते हैं। तो ये था एक शॉर्ट रिव्यू ऑल इन ऑन फिजिक्स क्लास 12 फॉर CBSE 2025 सेशन के लिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बता दें रेटेड पर मैं इसको रेटिंग दूंगा 5 में से 4.5 की रेटिंग, अदरवाइज ओवरऑल अच्छा क्वेश्चन बैंक है या गाइड है और बढ़िया है। तो आज के लिए इतना बहुत है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि इस प्रकार की बुक रिव्यू का वीडियो हम लेकर आते रहे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।